एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टेम्पटेशंस। आज इंस्टेंट रेसिपीज की सीरीज में बनाएंगे एक ऐसा ड्रिंक जो कि बिना सोडा और बिना पानी के बनेगा। बिना सोडा और बिना पानी के कौन सा ड्रिंक बनेगा, तो चलिए देखते हैं कौन सा ड्रिंक बनेगा जो बनेगा सिर्फ 5 मिनट में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वाटरमेलन का छोटा टुकड़ा काट लें और नाइफ की टिप से सीड्स अलग कर लें। अगर आप वाटरमेलन को सीड्स के साथ कट करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जब बाद में आप उसे ड्रिंक बनाने के लिए छानेंगे तो उसका पल्प भी छन जाएगा, तो आपके ड्रिंक का पल्पी टेक्सचर नहीं आएगा। मुझे अपने ड्रिंक का पल्पी टेक्सचर चाहिए, इसलिए मैं सीड्स निकाल कर ही ड्रिंक बनाऊंगी। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं एक ऐसा ट्रिक जिससे आपके वाटरमेलन के सीड्स जल्दी से निकल जाएं, तो आगे की वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। वाटरमेलन का छिलका अलग करें और उसे बीच में से इस तरह से कट कर लें, क्योंकि वाटरमेलन के सेंटर पार्ट में ही मैक्सिमम सीड्स होते हैं। अब नाइफ की टिप से फटाफट सारे सीड्स निकाल लें। आप चाहें तो नाइफ की जगह फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सारे सीड्स निकाल लिए हैं और वाटरमेलन को पीसेस में कट कर लिया है। अब इन सारे टुकड़ों को डालेंगे मिक्सी के जार में। इनमें डालेंगे फ्रेश पुदीना लीव्स, 1 नींबू का रस, ब्लैक सॉल्ट, स्वाद अनुसार पीसी हुई चीनी। अगर वाटरमेलन मीठा है तो चीनी कम पड़ेगी, अगर फीका है तो चीनी ज्यादा पड़ेगी। मैं 2 ग्लासेस के हिसाब से बना रही हूँ और जो मैंने वाटरमेलन लिया है वो फीका है, तो 2 ग्लासेस के हिसाब से मैंने 3 टीस्पून चीनी डाली है। आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें। अब इन सबको मिक्सी में करेंगे मिक्स। अब एक गिलास में डालेंगे क्रश्ड आइस, ऊपर से डालेंगे लेमन रिंग, 2-4 पुदीने की पत्तियां और इस पर डालेंगे वाटरमेलन जूस। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे काला जीरा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। एक स्ट्रॉ डालेंगे। अब सजावट के लिए वाटरमेलन के पीसेस जो मैंने कटर से कट किए हैं वे डालकर सजाएंगे। तो लीजिए, हमारा बिना सोडा बिना पानी के वाटरमेलन ड्रिंक बनकर के तैयार है। ये जो पल्पी टेक्सचर आप देख रहे हैं ये सिर्फ सीड्स निकालकर बनाने से ही आता है। यकीन मानिए, ये बहुत बहुत यम्मी है। उम्मीद है आपने सारी वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा। अब बारी है इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप नंबर 1, वाटरमेलन ड्रिंक समर्स में पीना बहुत ही लाभदायक होता है, ये हमारी गर्मी को खत्म करता है। टिप नंबर 2, वाटरमेलन कितना फ्रेश है ये उसके नीचे बने येलो रिंग से पता चलता है, जो कि जमीन पर पड़े रहने की वजह से बनता है। टिप नंबर 3, वाटरमेलन परचेज करने से पहले उसे हल्का हल्का टैप करें, उसके अंदर से एक हॉलो साउंड सुनाई देगी जिससे पता चलता है कि वाटरमेलन पूरा अच्छे से राइप हो गया है। टिप नंबर 4, अगर आप चीनी ना खाते हो तो आप वाटरमेलन में हनी का भी यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 5, वाटरमेलन को हमेशा ठंडा करके ड्रिंक बनाएं। अगर आप गर्म वाटरमेलन का ड्रिंक बनाएंगे तो आपको उसमें उतनी ही ज्यादा आइस डालनी पड़ेगी जिससे उसका एक्चुअल फ्लेवर डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए वाटरमेलन को हमेशा ठंडा करें, उसके बाद उसका ड्रिंक बनाएं। उम्मीद है आपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान से देख सुन लिया होगा। तो मिलते हैं अगले फ्राइडे एक और इंस्टेंट रेसिपी के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।